हेलो एवरीवन, जय शंकर महाराज। तो स्वागत है आपका देवभूमि हिमाचल और साथ ही स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम जा रहे हैं देवभूमि उत्तराखंड। तो हमारा ऐसा है कि जो इस साल की दीपावली है ना, वो हम मनाएंगे श्री केदारनाथ धाम में। तो आज तो है 28 अक्टूबर, तो देखते हैं 31 अक्टूबर तक सोचा है कि हम केदारनाथ में पहुंचेंगे। तो इस समय जो टाइम है ना, वो हुआ है 2 बजे का। तो ऐसा है कि हम यहाँ से पहले जाएंगे पठानकोट, क्योंकि पठानकोट से हमारी ट्रेन की बुकिंग है। तो अभी तो हमने जो जाना है वो चंबा से, तो पता नहीं कि किसमें जाएंगे। वैसे तो एक भाईचारे को फोन किया, वो टिपर चलाता है, तो सही टिपर में हमने पठानकोट तक जाना है। बस में जो है वो उल्टी लगती है। तो इस पठानकोट रेलवे कैंट हम पहुँच चुके हैं। तो अभी हमें यहाँ पहुँचे आधा घंटे के लगभग हुआ है, तो हमारी ट्रेन बस आधे घंटे में आने वाली है। तो अभी तो जो हमारी ट्रेन है ना, वो 8:30 बजे हम पहुँचेगी। तो अभी हमारे पास आधा घंटा है। इस तरह से है पठानकोट का रेलवे कैंट। तो ट्रेन अपनी आ चुकी है, तो ट्रेन में हम बैठ गए हैं, हमारा बुक है। तो इस तरह से देख सकते हैं आप, भीड़ काफ़ी है। तो अब आपको सुबह मिलते हैं हरिद्वार में दोस्तों। तो आज सुबह पहुंच चुके हैं, तो अभी हम पहुंच चुके हैं हरिद्वार में। तो रुक गई हरिद्वार में, तो देख सकते हैं साथ में है भाई जम्मू से, अरुण भाई, और ये शिव कुमार। बस हमारी ट्रेन जो रुक गई है अभी हरिद्वार में, तो अभी हम हरिद्वार में उतरेंगे। उसके बाद हम यहाँ से लेंगे बस। तो अभी देखते हैं कि जो बस है ना, वो कितने बजे जाती है सोनप्रयाग के लिए। तो चलो भाई, चले चले। तो अपनी ट्रेन जो है वो अभी हरिद्वार में रुकी हुई है, तो अभी हम यहाँ उतर गए, क्योंकि यहाँ से हमने लेनी सोनप्रयाग के लिए बस। तो अपने ये रहे अरुण भाई जो कि जम्मू से है, और ये शिव कुमार। तो ऐसा है कि एक दोस्त जो है वो राजस्थान से भी आ रहा है, तो उसका वेट कर रहे हैं हम। हरिद्वार रेलवे स्टेशन भी साथ में, और साथ में स्टैंड भी इस साइड है, और रेलवे स्टेशन जो इस साइड है। तो अभी हमने बस है वो जा रही है गौरीकुंड। इस बस में हम जाने वाले गौरीकुंड से पैदल यात्रा जो शुरू होती है। तो यहाँ बस जो है वो लास्ट बस जो है वो गौरीकुंड के लिए 8 बजे की है, जो कि ये है रही। तो अभी हमारा एक सही है, तो अभी हम सीट वगैरह कर लेते हैं बुक। तो अभी हम हरिद्वार में ही है, तो पहले तो हमारा हो रहा है ब्रेकफास्ट। तो हम यहाँ खा रहे चने भटूरे, और साथ में लिए ये केले। बैग वगैरह जो है वो बस में रख दिया है। तो देखते हैं, एक साथी जो है हमारा वो राजस्थान से आ रहा है, उसकी ट्रेन जो है वो पहुँचेगी 8:10 पर। तो अभी उसके साथ ही जाना है, तो वो किस समय पहुंचता है। वैसे तो ट्रेन का टाइम जो है वो है 8:10 का, तो ट्रेन सही टाइम पे पहुंच गई तब तो ठीक है, नहीं तो क्या बनता भी देखते हैं। बस अब हम निकलने वाले, तो ये है अपनी बस जिसमें कि हम जाने वाले हैं श्री केदारनाथ। तो अपने जो साथी है बैठ गए अंदर, अरुण भाई है जो कि जम्मू से है, वो दूसरे भाई को लेने गए जो कि राजस्थान से है। तो बस अभी समय जो है वो हुआ है 8:20, बस अब उनका वेट करें, उसके बाद जो बस है वो चल पड़ेगी। तो चलो आपको ले चलते हैं केदारनाथ धाम की ओर। जय श्री केदार, हर हर महादेव। हमारी बस हमारी हरिद्वार से चल पड़ी है, तो समय जो है 8:30 बजे का हुआ है। तो अब देखते हैं कि गौरीकुंड में बस कितने बजे पहुंचती है। तो सुबह हम 8:30 बजे जो है वो आए थे हरिद्वार से, तो अभी 1.5 घंटा हमने सफर किया है। तो अभी हम यहाँ पर कर रहे हैं लंच, तो यहाँ लंच वगैरह हो रहा है। तो बस थोड़ी देर रुकी है, तो देख सकते हैं। जय भोलेनाथ, हर 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 महादेव। तो ये जो नदी है ना, ये आ रही है भागीरथी, और दूसरी साइड है अलग नंदा। देख गिरना जाए मोड़े। दारी देवी, दारी देवी मंदिर के पास, बट यहाँ से दिख ही नहीं रहा है मंदिर। तो दिखाते थोड़ा सा, माता रानी आएंगे जरूर। भैया वो देखो पीछे मंदिर, दारी देवी। तो दारी देवी नीचे ही माता रानी का मंदिर है, मौका मिला तो वापसी समय जरूर जाएंगे, पर देखते अभी कन्फर्म नहीं बोल सकते कि जाएंगे। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अभी सोनप्रयाग में। सोनप्रयाग थोड़ा सा पीछे ही है, वहाँ से हम आगे थोड़ा सा आगे। तो अभी कर रहे हैं वीडियो शूट, तो साथ में है अरुण भाई,
और भाई कैसे? बहुत बढ़िया भाई। ये है भाई विक्रम भाई राजस्थान से, और ये तो अपने पार्टनर। तो इस तरह का व्यू है, देखिए सामने इसके। इस ये सबका सपना है कि कब केदारनाथ आए और महादेव के दर्शन करे। अपनी टैक्सी, हम अभी टैक्सी में बैठ गए, तो यहाँ से हम गौरीकुंड जाएंगे टैक्सी में। तो हम चार लोग ये और दो आगे, और बाकी अभी सीट खाली है। तो यहाँ से जो है वो टैक्सी का किराया जो है 50 रुपए है। तो यहाँ से अब गौरीकुंड चलते हैं, देखते हैं कितना समय जो लगता है। 4 या 5 किलोमीटर की ये कुल गौरीकुंड की, यहाँ से जो गौरीकुंड है वो है 4 या 5 किलोमीटर। तो देखते हैं अभी टैक्सी जो फुल होती है उसके बाद जाना है। भाई जो है गौरीकुंड के लिए रवाना हो गई है, तो यहाँ से 10 या 15 मिनट में जो है हम गौरीकुंड पहुँच जाएंगे। उसके बाद हमने रुकने का करना इंतजाम, तो आपको ले चलते हैं गौरीकुंड की ओर। अभी हम पहुँच चुके हैं गौरीकुंड में, तो सामने ही गौरीकुंड का ये दृश्य है, ये देखिए के रूम वगैरह देखते हैं। तो गाड़ी तो हमें पीछे छोड़ के चली गई है, लालू इतने ज़्यादा तो है नहीं, बस थोड़े बहुत ही है। और जो घोड़े हैं सारे मैक्सिमम जो है वो वापस जा रहे हैं। अभी हमें गौरीकुंड में रूम मिल गया, तो रूम किस तरह का वो दिखा देते हैं आपको। तो ये देखिए इस तरह का है ये, और खाने का भी यहीं पे रेस्टोरेंट भी है इसी में। तो ये देखिए रूम तो काफी। मॉर्निंग जयशंकर, तो अब हम हो गए रेडी। तो अपना इस तरह का रूम था, देख सकते हैं आप। तो बस अब जो है जाने की तैयारी है, तो समय जो अभी हुआ है 8 बजे का। तो अब चलते ऊपर की ओर, और जय शंकर, जय श्री बाबा केदार, हर हर महादेव, जय। तो अपनी गौरीकुंड से यात्रा जो है वो शुरू हो गई है। तो ऐसा है कि अभी तो समय जो है वो है 8 बजे का, तो देखते हैं कि श्री केदारनाथ में कितने बजे पहुंचते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा घोड़े हैं, वैसे तो 23 मिलर है जो कि वापिस जा रहे हैं। अब भी यात्रा जो है वो 3 या 4 दिन की अभी बची है। तो ये देखिए सुबह सुबह का दृश्य कुछ इस तरह का है। तो चलो आपको ले चलते हैं श्री केदारनाथ की ओर, हर हर महादेव। तो अभी हम गौरीकुंड से अभी 1.5 किलोमीटर ऊपर आए हैं, तो देख सकते हैं कुछ इस तरह का दृश्य है, झरना है। ये देखिए कितना प्यारा झरना, और आसपास का दृश्य देखिए भाई। रुक जा, ओ ए क्यों, व्हाट क्यों, वीडियो बना के मैं आ रहा हूं। तो यात्रा भी अपनी कंटिन्यू है ना। तो दोस्तों ऐसा है कि मेरे जो दो साथी है शिव कुमार और अरुण, वो तो चले गए आगे, और जो एक विक्रम है राजस्थान वाला वो पीछे ही है। तो वो तो जंगल चट्टी पहुंच गए हैं अरुण और शिव कुमार। तो मैं अभी 1 किलोमीटर पीछे हूँ, मेरे को अपनी जो रफ्तार है ना थोड़ी सी बढ़ाना पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने मेरे को ज़्यादा गैप डाल दिया है। तो अब थोड़ा सा अपनी जो रफ्तार है ना मैं थोड़ी फास्ट कर लेता हूँ। मैं तो पीछे वाले के चक्कर में था, वो पता नहीं कितने दूर है। तो चलो आगे वाले को ही करते हैं अब टारगेट, उनको ही पकड़ते हैं, क्योंकि वो 1 किलोमीटर मेरे से आगे पहुंच गए, अभी मैंने कॉल की थी। तो चलो चलते ले चलते आपको। ये रहा श्री केदार घाटी का रास्ता कुछ इस तरह का है। जय केदार, जय भोले, बढ़िया बढ़िया। तो अभी यात्रा अपनी कंटिन्यू है। तो अभी हमने 3 किलोमीटर यात्रा कर लिए, 3 किलोमीटर जो है पैदल चढ़ाई चढ़ ली है। तो ये देखिए कितना प्यारा सा झरना है दोस्तों, देखिए। तो इतना ज़्यादा रास्ता है नहीं, बहुत कम रास्ता है, 3-4 दिन ही बची यात्रा जो है वो। 3 नवंबर को बंद हो जाएगी भाई दूज के दिन। तो हमारा जो टारगेट है वो तो अभी 3 नवंबर तक का है, जब मंदिर बंद होगा तो उसके बाद जो है हम लोग वापिस आएंगे। तो आज तो वैसे 30 अक्टूबर है, कल दीपावली भी है। तो दीपावली जो है वो हमारी बनने वाली है ना श्री केदारनाथ धाम में। तो चलो चलते हैं श्री केदार घाटी की ओर, जय बाबा केदार, हर हर महादेव। तो अभी हम पहुंचे जंगल चट्टी में। तो अभी हमें जो केदारनाथ घाटी है वो बची है 12 किलोमीटर। तो इतना रफ ट्रैक तो है नहीं, मतलब तिरछा तिरछा ही है, चढ़ाई जो ऊपर थोड़ी सी ऊपर है, बाकी थोड़ी माड़ी थोड़ी थोड़ी बिल्कुल छोटी छोटी सी चढ़ाई है। तो आप देखिए दीपावली का समय है, और साथ ही मंदिर जो है बंद होने वाला है, तो लोग जो है काफ़ी कम हो गए हैं।
तो अभी हम पहुंच चुके हैं भीमबली में। तो ये देखिए इस तरह का रास्ता है, ये खचरों के लिए और इस साइड से यात्रियों के लिए। नीचे भी एक सामने पुल है, उसके उसको क्रॉस करना और दूसरी साइड जाना है। सिब्बू और जो अरुण है वो तो चले गए काफ़ी दूर, तो मैं तो काफ़ी पीछे हूँ। मैंने अभी उसको राजस्थान वाले भाई का वेट किया था, फिर पीछे रह गया, तो अब मैं अकेले ही चला हूँ। बाकी सारे वो पीछे है, दो आगे है। तो ऊपर ये रहा रामबाड़ा, देखिए कितना प्यारा झरना है, हर हर महादेव। यूटी ऑफ केदारनाथ। तो आधा रास्ता अपना कवर हो गया है, तो यहाँ से अब है केदारनाथ 8 किलोमीटर और 16 किलोमीटर टोटल इसकी दूरी है। तो ये देखिए हर हर महादेव। तो अभी थोड़ी सी चढ़ाई लगाई है नीचे से, देख सकते हैं आप। तो यहाँ से थोड़ी सी ज़्यादा चढ़ाई है, इतनी ज़्यादा तो नहीं है वैसे कि ज़्यादा खड़ी हो, पर ये है यहाँ से। अब ये रही थोड़ी सी चढ़ाई बची, उसके बाद थोड़ा फिरा के थोड़ा थोड़ा प्लेन है, इतना प्लेन तो नहीं है, तो इतनी ज़्यादा चढ़ाई भी नहीं है। तो ऐसे है, देख सकते आप खुद, लोग भी काफ़ी कम हो गए अब तो, यात्रा जो है वो समाप्ति की ओर है। तो देखिए रास्ते बिल्कुल खाली है, चलने में कोई दिक्कत हो नहीं रही है। तो अब जो श्री केदारनाथ है वो बचा है 6 किलोमीटर। तो ये देख सकते हैं आप, ये सामने बोर्ड भी लगा हुआ है। तो 10 किलोमीटर का सफ़र अपना तय हो गया है, तो अब 6 किलोमीटर जो है वो और चलना है। तो ये देख सकते हैं ऊपर सामने ही यहाँ पे श्री केदारनाथ मंदिर, पर थोड़ा पीछे होके है। तो चलो ले चलते हैं आपको श्री केदारनाथ, हर हर महादेव। तो अब तो हम केदारनाथ से थोड़ी दूर है। तो देखिए अब जो हेली टैक्सी है, हेलीकॉप्टर भी साथ साथ चल रहे हैं, ये देख सकते हैं आप आगे से आ रहा है। तो इतना दूर से ये जा नहीं रहा, आप देखिए कितना नज़दीक ये आ गया, देखिए साथ साथ जा रहा है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं बेस कैंप के पास। तो यहाँ से शुरू होता है बेस कैंप। तो अब यहाँ से जो श्री केदारनाथ है ना वो है 1.5 किलोमीटर। तो ये लास्ट चढ़ाई है जो कि बेस कैंप के पास है। तो लास्ट में इतनी सी चढ़ाई है, तो इसके बाद तो अब आगे 1.5 किलोमीटर जो वो प्लेन ही है। तो चलो ले चलते आपको श्री केदारनाथ। तो मौसम काफ़ी ख़राब हो गया है, देखिए केदार घाटी का, और ये देखिए देखिए मौसम का हाल कुछ इस तरह का हो गया है। सामने आग भी सेक रहे हैं क्योंकि ठंड काफ़ी है। तो थोड़ी ही देर में हम पहुंचने वाले बाबा के धाम। तो काफ़ी देर से यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं, तो अब चलते हैं थोड़ी देर में, क्योंकि तो सामने रहा केदार घाटी केदारपुरी। तो सामने हो रहे बाबा केदारनाथ के दर्शन, ये देखिए आगे जा के आपको नज़दीक से करवाते हैं, हर हर महादेव। तो थोड़ी सी हालत हो गई ख़राब और पहुंच गए हम भोलेनाथ के दरबार। तो हर हर महादेव, जय श्री केदारनाथ। तो फाइनली ना दोस्तों पहुंच चुके हैं हम बाबा केदार के धाम। तो हालत बुरी हो गई है, तो अब ऐसा है कि पहले टेंट लगाएंगे, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, उसके बाद करते हैं दर्शन वगैरह। समय 7 बजे का रात का, तो तरह का दृश्य है कुछ रात का मेरे महादेव की नगरी श्री केदारनाथ का। तो श्रद्धालु तो इतने ज़्यादा है नहीं अभी, क्योंकि यात्रा जो है वो बस थोड़े दिन में समाप्त जो है होने वाली है, समाप्ति की ओर है। तो देखिए इतने ज़्यादा लोग जो है वो है नहीं, अपना टेंट जो है वो ऊपर लग गया है।
आते ही थोड़ी तबीयत जो लोग खराब हो गई थी उस वजह से ना आते वीडियो शूट नहीं किया। तो ये देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं आप इस तरह से श्री केदारनाथ धाम का कुछ दृश्य 29 अक्टूबर का। तो देखिए रात का कुछ इस तरह का दृश्य रहता है श्री केदारनाथ का। तो अपना जो टेंट है दोस्तों वो लगाए, जब टेंट लगाया था तब मेरी हालत इतनी खराब हो गई थी ना कि क्या बताएं। टेंट के समय मेरे को उल्टी वाला सिस्टम हो गया क्योंकि यार थोड़ा ठंडी लग गई थी, तो उस वजह से जो है ना आते ही मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो गया था। तो अब थोड़ा सा जो है वो तबीयत ठीक हुई है। तो देखिए इस तरह के टेंट लगे हुए है। तो कल मैं शायद यहाँ पे लाइव आऊंगा यूट्यूब पे, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जुड़ सकते हैं और श्री केदार बाबा के दर्शन कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं इस वीडियो का करता हूँ यहीं पे अंत। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय शंकर, हर हर। तो